हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। देवासी ने जिला पुलिस अधीक्षक को पत्र लिख स्मैक एमडी की नशे के खिलाफ ठोस कार्यवाही करने की मांग की। भिनमाल पूर्व उप मुख्य सचेतक रतन देवासी ने पुलिस अधीक्षक जालोर को पत्र लिखकर जिले में स्मैक एमडी का बड़े स्तर पर हो रहे व्यापार व उक्त कार्य करने वालों के खिलाफ ठोस कार्यवाही करने को कहा। देवासी ने कहा कि जिले में जिस तरह से स्मैक एमडी का कारोबार बड़े स्तर पर चल रहा है, उससे आने वाले समय में हमारी पीढ़ी व जिले के निवासियों के लिए एक बड़ा खतरा है। वो स्मैक एमडी के नशे से जो हालात पैदा हो रहे हैं वो हम स्वयं देख पा रहे हैं। ये हमारे जिले व भविष्य की पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है। देवासी ने कहा कि रानीवाड़ा, सरनाऊ, सांचौर, भिनमाल व जिले के अन्य क्षेत्र के गांवों में मुख्य रोड के कुछ दुकानों व ढाबों पर इन नशीले पदार्थों का बड़े स्तर पर व्यापारी व्यापार कर रहे हैं। साथ ही गांवों में यह नशा करने वाले खुलेआम घूम रहे हैं। वो पुलिस के बराबर गश्त नहीं होने से इनके हौसले बुलंद है, वो गांवों में आमजन को बड़ा खतरा रहता है। देवासी ने कहा कि अगर समय रहते स्मैक एमडी के नशे के खिलाफ ठोस कार्यवाही नहीं की गई तो भविष्य में इसे निपटना एक बड़ी चुनौती हो जाएगी। देवासी ने कहा कि ऐसे पत्र लिखने से राजनीतिक तौर पर नुकसान होने की बात सभी करते हैं, साथ ही इसका व्यापार करने वालों व इससे करोड़ों रुपए कमाने वालों की तरफ से जान को खतरा होने व कभी हमला होने की भी संभावना रहती है। मगर सिर्फ राजनीति व वोटों के लाभ हानि का सोच कर चुप रहना भी पाप है। जब हमारी पीढ़ी इस नशे से खराब हो जाएगी, साथ ही क्राइम बढ़ने व जिला बर्बाद हो जाएगा तो राजनीति और सामाजिक जीवन में रहकर क्या प्राप्त कर लेंगे? अगर हमारे जैसे आगे आकर नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? जागरूक टीवी के भिनमाल से खास रिपोर्ट।